व्हाइट फंगस जो कि ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ब्लैक फंगस को 3 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है। वो 3 स्टेट हैं तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़। व्हाइट फंगस को कैंडिडियासिस भी कहते हैं, जो कि हमारे लंग्स, नेल, माउथ, किडनी को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इसके कुछ अजीब से सिम्टम हैं, जिसका RT-PCR में कोविड नेगेटिव आने के बाद भी कोरोना के लक्षण हैं, उन्हें व्हाइट फंगस हो सकता है। ये अनहाइजीन के कारण हो रहा है और ये पोस्ट कोविड पेशेंट में भी देखा जा रहा है। और जो लोग वेंटिलेटर पर थे और ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके ऑक्सीजन चैनल में साफ सफाई ना होने के कारण व्हाइट फंगस पनाह लेती है। जनरली ऑक्सीजन सिलेंडर में ह्यूमिफायर के तौर पर डिस्टिल वाटर का प्रयोग किया जाता था, पर कोरोना के इस महामारी में टैप वाटर का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण व्हाइट फंगस जन्म ले रहा है। इसके प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक का और स्टेरॉइड का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग ना करें। दूसरा, कैंसर पेशेंट और डायबिटीज पेशेंट अपना हाइजीन मेंटेन करके रखें। इसका ट्रीटमेंट मात्र एक ही है कि अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, गर्म पानी पिएं, योगा करें, हल्दी, जीरा और धनिया जैसे स्पाइसेस को अपने डाइट में ऐड करें।